हाय गाइस, आज हम बात करेंगे दिल का दौरे का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्टों से पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो है ECG। ये टेस्ट हमें बताता है कि दिल का कौन सा हिस्सा खराब हुआ है, मतलब कि सामने वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आई है या कि पीछे वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आई है। तो ECG टेस्ट जो है वो दिल के दौरे का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है कार्डियक एंजाइम टेस्ट। ये एक तरह का खून का टेस्ट होता है जिसमें कुछ एंजाइम देखे जाते हैं। अगर वो एंजाइम खून में मिल जाएँ तो पता चल जाता है कि इस शख्स को हार्ट अटैक हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट है ट्रोपोनिन आई टेस्ट। जैसे ही दिल का दौरा पड़ता है तो इसका खून में इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये लेवल तकरीबन 10 से 14 दिन तक हाई रहता है, और अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ हो पिछले 10 दिन के दौरान तो वो इस टेस्ट में जो है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है LDH ब्लड टेस्ट। ये भी एक एंजाइम है जो कि दिल के पट्ठों से निकलता है, और जब दिल के दौरे में पट्टे खराब हो जाते हैं तो ये खून में आ जाता है। ये 10 दिन तक खून में रहता है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है क्योंकि दिल के अलावा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पट्टों से भी ये निकलता है, और अगर उन पट्टों को चोट लग जाए फिर भी इसका लेवल जो है वो ब्लड में हाई हो सकता है, इसलिए ये इतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है सीरम मायोग्लोबिन टेस्ट। ये जो है वो दिल के दौरे में इसका भी लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और ये एक स्ट्रिप टेस्ट होता है। इसके ज़रिए पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट टेस्ट है CKMB ब्लड टेस्ट। ये भी एक एंजाइम होता है जो कि दिल के पट्ठों से निकलता है, और दिल के दौरा पड़ने के दिन से लेके नेक्स्ट 3 दिन तक ये खून में मौजूद रहता है, और इस टेस्ट से भी जो है वो पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। ये कुछ ब्लड टेस्ट थे जिनसे जो है वो दिल के दौरे का पता लगाया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दो में अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।